रिएक्शन कितने टाइप के होते हैं, तो हमारा फर्स्ट टाइप है दैट इज नोन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, या आप इसको कर सकते हो कॉम्बिनेशन रिडॉक्स रिएक्शन, मींस कॉम्बिनेशन रिएक्शन आल्सो शोज द रिडॉक्स रिएक्शन, दैट इज नोन एज कॉम्बिनेशन रिडॉक्स रिएक्शन। तो अब देखो इसमें क्या होता है, पहले आप इसका डिफाइन कर लेते हैं, ठीक है। तो इसे डिफाइन हम करेंगे द रिएक्शन इन विच ये पार्ट तो ब्राइट हो रहा होगा ना, द रिएक्शन इन विच टू और मोर एलिमेंट्स कंबाइंड टुगेदर एंड द ऑक्सीडेशन नंबर नंबर आर ऑल्सो चेंज्ड। नोन एज कॉम्बिनेशन रिडॉक्स रिएक्शन या फिर कॉम्बिनेशन रिएक्शन। देखो अभी हम लोगों ने देखा था दो तरह के रिएक्शन होते हैं, एक तो होता है रिडॉक्स रिएक्शन, दूसरा होता है नॉन रिडॉक्स रिएक्शन। तो नॉन रिडॉक्स रिएक्शन भी हो सकता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, लेकिन आपको क्या फोकस करना है कि जब भी कोई रिएक्शन दिया जाएगा उसमें आप चेक करो कि उन स्पीशीज का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है या नहीं। अगर ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है, इधर इट विल बी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन और बोथ इन दैट यू कैन से दैट रिडॉक्स रिएक्शन इज अकर हियर। अगर उसमें ऑक्सीडेशन भी हो रहा है रिडक्शन भी हो रहा है, मींस ऑक्सीडेशन नंबर अगर चेंज हो रहा है तो उसको हम क्या नाम दे देते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन। अगर ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज होगा, जैसे मान लो प्लस टू से प्लस थ्री में जाए या प्लस थ्री से प्लस टू में, इस दोनों केस में एक केस में ऑक्सीडेशन होगा दूसरे में रिडक्शन होगा। अगर ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं हो रहा है, किसी भी केस में ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं हो रहा है, तो उसको हम दे देते हैं नाम नॉन रिडॉक्स रिएक्शन। उसी तरह कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है, व्हेन टू और मोर एलिमेंट्स कंबाइन टुगेदर एंड फॉर्म अ प्रोडक्ट, दैट इज नोन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इफ देयर ऑक्सीडेशन नंबर इज चेंज्ड, दैट इज नोन एज कॉम्बिनेशन रिडॉक्स रिएक्शन। जैसे एग्जांपल आप ले लो, एग्जांपल लोगे तो समझ में आ जाएगा। मान लो H2 गैस प्लस O2 गैस गिव्स H2O लिक्विड, क्लियर है, सॉरी H2 एंड O2, H2O, ठीक है, हाइड्रोजन परऑक्साइड, इसको क्या नाम देते हैं, हाइड्रोजन परऑक्साइड। ये तो आप लोगों को पता हो गया होगा, ऑक्सीजन इसमें बॉन्ड जो बन रहा है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन हाइड्रोजन, ये जो होता है परऑक्सी लिंकेज होता है, वो आप लोग देख चुके हो परऑक्सी लिंकेज, ठीक है। यहां देखो, यहां पर हाइड्रोजन किस स्टेज में है, जीरो, यहां किस में आ रहा है प्लस वन, ऑक्सीजन किस में है जीरो, यहां किस में आ रहा है माइनस वन। अब बताओ क्या इन केस में, क्या इस केस में हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर सेम है, बिल्कुल नहीं है। हाइड्रोजन जीरो टू किस में जा रहा है प्लस वन, मीन्स इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर मीन्स ऑक्सीडेशन। ऑक्सीजन जीरो से किस में जा रहा है माइनस वन में, मीन्स डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज मीन्स व्हाट, रिडक्शन। तो बताओ ये किस टाइप का रिएक्शन हो जाएगा, रिडक्शन रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन किस टाइप का रिडॉक्स रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिडॉक्स रिएक्शन, क्लियर है ना, कॉपी फास्ट।
और नेक्स्ट टाइप इज डीकंपोजिशन रिएक्शन. डीकंपोजिशन रिएक्शन द रिएक्शन इन विच वन स्पीसीज डीकंपोजेस इनटू टू और मोर स्पीसी. वन स्पीसी डीकंपोजेस इनटू टू और मोर स्पीसी इन विच देयर ऑक्सीडेशन नंबर आर गेट्स चेंजेस नोन एज डीकंपोजिशन रिडॉक्स रिएक्शन. ऐसा रिएक्शन डिकम्पोजिशन रिएक्शन आप लोग हाई स्कूल में पढ़ चुके हो, क्लास 10th में फर्स्ट चैप्टर था, उसमें आप लोग पढ़े हो टाइप ऑफ रिएक्शन में कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड डिफरेंट टाइप ऑफ रिएक्शंस. तो उसमें डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या कहता था कि अगर कोई एक स्पीसी टू और मोर स्पीसी में डिकम्पोज हो रहा है, दैट टाइप ऑफ रिएक्शन इज नोन एज डिकम्पोजिशन रिएक्शन. बस आपको क्या करना है, तो उसमें ये चेक करना है कि रिडॉक्स रिएक्शन है या नहीं है. आप कैसे चेक करते हो, ऑक्सीडेशन नंबर को चेक करो. एक स्पीसी का ऑक्सीडेशन नंबर अगर इंक्रीज हो रहा है, दूसरी स्पीसी का ऑक्सीडेशन नंबर अगर डिक्रीज कर रहा है, तो उस केस को आप क्या कह दोगे, रिडॉक्स रिएक्शन. क्लियर है ना. अब यहां डिकम्पोजिशन रिएक्शन में एक स्पीसी अगर टू और मोर एलिमेंट में या टू और मोर स्पीसी में डिकम्पोज हो रहा है, दैट टाइप ऑफ रिएक्शन इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन एंड द ऑक्सीडेशन नंबर इज चेंज इन दैट, देन इट विल बी डिकम्पोजिशन रिडॉक्स रिएक्शन. लाइक एग्जाम्पल देखोगे तो आसानी से समझ में आ जाएगा. मान लो हमारे पास है सोडियम हाइड्राइड NaH और इसे अगर मैं हीट करता हूं, तो बताओ ये किसमें टूटेगा, 2Na प्लस H2 गैस में टूट रहा है. यहां देखो सोडियम किस स्टेट में था, +1. हाइड्रोजन किस में था, -1. वाई, बिकॉज हाइड्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, जो आप लोग रूल्स में सीख चुके हो. यहां किस में आ रहा है, 0 में. किसी भी एलिमेंट का, इंडिपेंडेंट एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, 0. हाइड्रोजन भी किस में आया है, 0 में. इन दिस केस प्लस से 0 में आया है, +1 to 0 मींस व्हाट, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर. ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है, डिक्रीज. ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज मींस हियर इट विल बी रिडक्शन. एंड हाइड्रोजन -1 से किस में जा रहा है, 0 में, मींस इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर. ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज कर रहा है, मींस क्या हो रहा है यहां पर, ऑक्सीडेशन. तो इसे मैं क्या नाम दे सकता हूं, ड्यू टू NaH सोडियम हाइड्राइड इज ओनली वन कंपाउंड व्हिच गेट्स डीकंपोज इनटू सोडियम एंड हाइड्रोजन गैस, मींस टू मोर स्पीसीज. सच टाइप ऑफ रिएक्शन इज नोन एज डीकंपोजिशन रिएक्शन. ऑल्दो इन दिस केस सोडियम इज रिड्यूस्ड, +1 to 0, हेंस इट इज नोन एज रिडक्शन एंड हियर ऑक्सीडेशन. हाइड्रोजन इज गोज फ्रॉम -1 to 0 ऑक्सीडेशन स्टेट, हेंस इट इज नोन एज ऑक्सीडेशन. ऑक्सीडेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिडक्शन ऑफ सोडियम बोथ अकर्स इन दिस रिएक्शन, सो वी कैन से दैट दिस इज डीकंपोजिशन रिडॉक्स रिएक्शन. एनी कंफ्यूजन, अगर कोई कंफ्यूजन होगा आप कमेंट बॉक्स में सेंड कर सकते हो. सी यू. और नेक्स्ट रिडॉक्स रिएक्शन इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आप लोग जानते हो कि मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट एलिमेंट सच रिएक्शन इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. ये आप लोग जानते हो, ठीक है. ये आप लोग हाई स्कूल में पढ़ चुके हो. मोर रिएक्टिव एलिमेंट क्या करता है, लेस रिएक्टिव एलिमेंट को अगर डिस्प्लेस कर रहा है, तो सच रिएक्शन इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. नाउ लुक हियर, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज टू टाइप्स.
फर्स्ट होता है मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, मेटल डिस्प्लेसमेंट, एंड सेकेंड विल बी नॉन मेटल, नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, अब मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है? सेम एच मीन्स आप इसे लिख सकते हो कि व्हेन अ मोर रिएक्टिव मेटल displaces less reactive metal in a reaction, and the oxidation number of oxidation number of the species gets changed, known as metal displacement redox reaction, metal displacement redox reaction. ये देखो एक चीज है कि ये बार बार जो लिख रहे हैं कि रिडॉक्स रिएक्शन, तो ये रिडॉक्स रिएक्शन तो अंडर कंसीडर है, ये आप समझ सकते हो। बस आप इतना समझो कि मेटल डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या हुआ कि अगर कोई एक मोर रिएक्टिव मेटल किसी लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर रहा है किसी रिएक्शन में। जैसे एग्जाम्पल आप देखो, अगर मान लो Fe(SO4) है, Fe(SO4) जिंक के साथ रिएक्शन करता है, तो बताओ क्या होगा? ZnSO4 और प्लस Fe को रिड्यूस कर दिया। अब यहां पर क्या हो रहा है? Fe किस स्टेट में है? प्लस 2 स्टेट में। सल्फर किस में है? प्लस 6 स्टेट में। और ऑक्सीजन किस में है? माइनस 2 स्टेट में। क्लियर है ना? अब यहां देखो जिंक किस में है? 0 में, बाय इंडिपेंडेंट है। यहां पर जिंक किस में आ रहा है? प्लस 2 स्टेट में। सल्फर प्लस 6 में है, ऑक्सीजन माइनस 2 में है, और यहां पर फेरस किस में आ रहा है? 0। अब देखो यहां पर क्या हो रहा है, फेरस प्लस 2 से 0 में जा रहा है। प्लस 2 से 0 मींस व्हाट? डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर मींस रिडक्शन, इज दैट। यहां देखो जिंक 0 टू प्लस 2 मींस इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर means what? Oxidation। तो ये किस टाइप का रिएक्शन कहा जाएगा? मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, मेटल डिस्प्लेसमेंट रिडक्स रिएक्शन। ठीक है, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है, तो इसे मैं क्या, और मेटल का डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है, इसलिए मैं क्या नाम दे सकता हूं? मेटल डिस्प्लेसमेंट रिडक्स रिएक्शन। अब आते हैं अपने सेकेंड केस के पास। तो सेकेंड कहता है नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इस केस में क्या होता है कि कभी भी कुछ मेटल्स जो है रिएक्शन करने के बाद हाइड्रोजन को अगर रिलीज कर रहे हैं, जैसे इसको अगर मैं डिफाइन करना चाहूं तो मैं लिख सकता हूं व्हेन रिएक्टिव मेटल लाइक कौन कौन सा हो सकते हैं, मान लो कौन, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम एक्सेट्रा, डिस्प्लेसेस हाइड्रोजन को अगर डिस्प्लेस कर रहा है हाइड्रोजन इन फॉर्म ऑफ गैस ऑन रिएक्टिंग विथ वाटर। जैसे एग्जांपल ले लो 2Na जो सॉलिड है, सोडियम रिएक्ट्स विद H2O गिव्स 2NaOH
H2 गैस। बताओ यहां पर हाइड्रोजन सोडियम किस स्टेट में था? जीरो में। यहां हाइड्रोजन किस स्टेट में है? जीरो स्टेट में। ठीक, यहां हाइड्रोजन किस स्टेट में है? प्लस वन स्टेट में है ना। अब ऑक्सीजन किस में है? माइनस वन में। क्लियर है? यहां देखो सोडियम किस स्टेट में आ गया? ये आ गया प्लस वन स्टेट में है ना, और हाइड्रोजन किस में हो गया? जीरो। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की यहां पर हम बात ही नहीं करेंगे क्योंकि ये तो सेम कंडीशन में है। यहां देखो सोडियम क्या हो रहा है? जीरो टू प्लस वन जा रहा है। जीरो से प्लस वन मीन्स क्या? इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। तो इसको मैं क्या नाम दे सकता हूं? ऑक्सीडेशन। यहां हाइड्रोजन देखो प्लस वन से किस में जा रहा है? जीरो में, मीन्स डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। तो ये क्या हो जाएगा? रिडक्शन होगा। तो बताओ इस केस में क्या हो रहा है? हाइड्रोजन डिस्प्लेस भी हो रहा है। किसके द्वारा डिस्प्लेस हो रहा है? सोडियम के द्वारा डिस्प्लेस हो रहा है। तो इसको मैं क्या नाम दे सकता हूं? नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मींस रिएक्टिव मेटल अगर हाइड्रोजन को रिलीज करता है वाटर से रिएक्शन करने के बाद, तो उसको हम क्या नाम दे सकते हैं? नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और अगर उसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों हो रहा है तो उसे मैं क्या नाम दे सकता हूं? नॉन मेटल रिडॉक्स डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्लियर है? तो इसे आप कॉपी कर लो, हम लोग आगे बढ़ते हैं। और नेक्स्ट टाइप ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन है डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन द रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन ऑफ सेम एलिमेंट, किसी एक ही एलिमेंट का, ध्यान रखिएगा यहां पर सेम एलिमेंट, एक ही एलिमेंट का अगर ऑक्सीडेशन भी हो रहा है रिडक्शन भी हो रहा है, तो उसको मैं क्या नाम दे सकता हूं? डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। द रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन ऑफ सेम एलिमेंट अकर साइमल्टेनियसली इज नोन एज डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। DISPROPORTIONATION डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। आप इसको अगर और आसान करना चाहो तो आप इसकी जगह पर लिख सकते हो कि द रिएक्शन रिएक्शन इन विच एन एलिमेंट फ्रॉम वन द रिएक्शन इन विच एन एलिमेंट फ्रॉम सेम ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीडेशन स्टेट द रिएक्शन इन विच एन एलिमेंट फ्रॉम सेम ऑक्सीडेशन स्टेट चेंजेस इंटू चेंजेस इंटू टू डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट दैट इज क्या वन लेस या लोअर एंड अदर हायर ऑक्सीडेशन स्टेट such reaction is known as disproportionation reaction. The reaction in which an element from same oxidation state changes into two different oxidation state. मान लो देखो example देखोगे आपको समझ में आ जाएगा। मान लो हमारे पास हाइड्रोजन परऑक्साइड है H2O2 in aqueous solution. अगर इसे हम ब्रेक करते हैं तो
तो ये ब्रेक होता है 2H2O लिक्विड एंड ऑक्सीजन गैस, क्लियर है? याद रखो इनका ऑक्सीडेशन स्टेट है। हाइड्रोजन क्या हो रहा है? प्लस वन स्टेट में है। यहां पर हाइड्रोजन क्या है बताओ? प्लस वन स्टेट में है। ऑक्सीजन यहां पर किस स्टेट में है? माइनस वन स्टेट में है। यहां ऑक्सीजन किस स्टेट में है? माइनस टू स्टेट में है। और यहां ऑक्सीजन किस स्टेट में है? जीरो स्टेट में। समझो आप, हाइड्रोजन तो अपने सेम स्टेज पे है, कोई मतलब ही नहीं है, ये दोनों तो सेम है भाई, प्लस वन है, प्लस वन है, इसमें कोई चेंजेस नहीं हुआ। बट इन केस ऑफ ऑक्सीजन माइनस वन टू माइनस टू मीन्स डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, तो यहां क्या हो रहा है? रिडक्शन, रिडक्शन। और यही ऑक्सीजन माइनस वन टू गोज इनटू जीरो, यहां क्या हो रहा है? जीरो में आ रहा है, मीन्स माइनस वन से पहुंच रहा है जीरो में, मीन्स व्हाट क्या हुआ कि इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर मीन्स ऑक्सीडेशन। तो कहता है कि अगर कोई एक एलिमेंट, कोई एक एलिमेंट खुद ऑक्सीडाइज भी हो रहा हो, ऑक्सीडाइज भी हो रहा हो और रिड्यूस भी हो रहा हो, तो उन दोनों केस में अगर एक ही एलिमेंट दोनों केस शो कर रहा है तो उसको क्या नाम दिया जा सकता है? डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। क्लियर है? तो इसे भी आप लोग कॉपी कर लो, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में चलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।